In First World War, role of USA in First World War. First World War was fought between the centrist powers, उनमें जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी और ऑटमन एम्पायर थी, और दूसरी तरफ थे द इंटेंटे पावर्स और द एलाइड फोर्सेस, उनमें थे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह। ये जंग 1914 में स्टार्ट होती है। वुड्रो विल्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे। वुड्रो विल्सन को आप जानते हैं, प्रोफेसर आदमी थे, राइटर ऑफ अ बुक थे, पैसिफिस्ट थे, लड़ाई झगड़ा वॉर को बहुत पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने डिक्लेयर किया दैट अमेरिका शैल रिमेन न्यूट्रल इन दिस वॉर, हम दोनों में से किसी साइड के साथ भी नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ये न्यूट्रलिटी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी एंड इवेंचुअली अमेरिका हैड टू इंटरवीन इन द वॉर फ्रॉम द एलाइड फोर्सेस साइड। What were the reasons? Reasons for USA to join World War I. Woodrow Wilson, Hassan. Woodrow Wilson. Tenure देखे ना, विल्सन का tenure आप अभी पढ़ के आए हो कि 1913 से 21 तक वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो reasons for USA to join World War, एक तो कुछ तो normal reasons है ना, psychological reasons है, तो ethnic and psychological tilt दो है जो है USA का, वो भी allied forces की तरफ था, क्योंकि ज्यादातर Americans या England या France से अपने आप को क्लोजर फील करते थे। लैंग्वेज भी यही थी मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स की, तो साइकोलॉजिकली दे वांटेड द एलाइड फोर्सेस टू विन, बिकॉज जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ, या फॉर दैट मैटर ऑटोमन एम्पायर के साथ कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशंस अमेरिका के नहीं थे, और ना ही एथनिक या लिंग्विस्टिक कॉमनैलिटीज थी इन लोगों के दरमियान, ठीक है जी। Another reason was economy. Economic reasons की हम बात करें तो 2/3 of all US trade was with France and England. तो ज्यादातर जो ट्रेड लिंकेजेस हैं अमेरिका के, वो भी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ थे। तो अगर ये फ्रांस और इंग्लैंड हारते हैं तो नेचुरली अमेरिका वुड लूज दोज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। डेट वाज आल्सो अनदर इशू। $2 billion फ्रांस एंड इंग्लैंड ओड टू अमेरिका। अगर इंग्लैंड और फ्रांस जंग हार जाते हैं तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट ये होगा दैट अमेरिका वुड लूज $2 billion। ऑब्वियसली अमेरिका डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। ये भी एक रीजन थी कि अमेरिकन्स जो हैं वो इन लोगों को जिताना चाहते थे। फाइनली इट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अमेरिकन वेपन्स। Credibility of the American weapons. देखिए, when everything is said and done, जब जंगें खत्म हो जाती हैं और चीजें ठंडी हो जाती हैं,
तारीख जब लिखी जाती है तो मोटी बात ये लिखी जाती है, साइड्स यूजिंग द वेपनरी ऑफ प्रोडक्टिव प्रोडक्शन ए वन द वॉर एंड साइड यूजिंग द वेपनरी ऑफ प्रोडक्शन बी लॉस्ट द वॉर। तो अमेरिका डिड नॉट वॉन्ट कि जो साइड इंग्लैंड और फ्रांस उनके वेपन्स इस्तेमाल कर रही है वो साइड लूज कर जाए, बिकॉज उस सूरत में टेडी रूज़वेल्ट ने जो अमेरिकन वेपन्स की और अमेरिकन आर्सन की आर्सनल की एक वर्थ डेवलप की थी, वो वर्थ लूज होती और अमेरिकन इकॉनमी को नुकसान पहुंचता बाय लूजिंग ऑल फ्यूचर ऑर्डर्स फॉर देयर वेपन्स। ये भी एक रीजन थी, लेकिन इन सारी रीजन से बड़ी दो और रीजन हैं जो सही में इस जंग की वजह बनी है। एक को तो हम कहते हैं ज़िमरमैन टेलीग्राम। ज़िमरमैन टेलीग्राम, ज़िमरमैन टेलीग्राम, ज़िमरमैन है कौन? ज़िमरमैन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है। ये टेलीग्राम मार्च 1917 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरसेप्ट करती हैं, इंटरसेप्ट करके वो डीकोड करती हैं और डीकोड करके वो प्रेसिडेंट को भिजवाती हैं। ज़िमरमैन टेलीग्राम वाज ट्रांसलेटेड एज that Zimmerman was inviting the Mexican dictator to attack America, and in such an eventuality Germany would come and help Mexico against America and would help it retrieve back its old territories. It seems quite improbable. Mexico had no capacity, although dictator wo America ke khilaf the, lekin मैक्सिको की कैपेसिटी नहीं थी। एक तो उनकी अमेरिका पर अटैक करने की कैपेसिटी नहीं थी, दूसरा जर्मनी के पास भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो यूरोप से उठ के मैक्सिको की मदद करने अमेरिका आ सकता, स्पेशली व्हेन इट इज नेक डीप इन दैट वॉर। तो कुछ हिस्टोरियंस तो इवन इस टेलीग्राम की वैरासिटी तक को क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं ये सच में थी भी या नहीं। ब्रिटिशर्स ने they were getting tired of the war and they were losing economic gains very quickly, so they wanted the war to be result oriented, hence they concocted this telegram. However, official history yahi hai ki ye telegram aaya aur ye direct threat thi American citizens ke liye, president had to do something. Theek, lekin isse kahin zyada badi wajah ji March 1917, इससे कहीं ज्यादा बड़ी वजह है वायलेशन ऑफ अमेरिकन न्यूट्रलिटी बाय जर्मनी एंड नॉट वंस मेनी टाइम्स। इंटरनेशनल लॉ का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जो जब एक मुल्क अपनी न्यूट्रलिटी को अनाउंस कर देता है किसी भी जंग में, तो इट इज ड्यूटी ऑफ बोथ साइड्स एट वॉर टू रिस्पेक्ट द न्यूट्रलिटी ऑफ दैट कंट्री। जर्मनी ने वो न्यूट्रलिटी रिस्पेक्ट नहीं की। टाइम एंड अगेन उनमें एक बड़ा मशहूर आपने शायद सुना हो अपैन केस है। अपैन केस, अपैन एक ब्रिटिश कमर्शियल शिप था। उस शिप को जर्मन्स पकड़ते हैं, न्यूयॉर्क हार्बर पर लाकर खड़ा कर देते हैं अमेरिकन वाटर्स में और कहते हैं कि आप जरा इसको अपने पास रखिए, वंस द वॉर इज ओवर तो ये हमारा प्राइस है, हम इसे ले जाएंगे। इस कंपनी के जो ओनर्स थे, ये प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, उन्होंने अमेरिकन कोर्ट में पिटीशन फाइल की।
अमेरिकन कोर्ट ने क्रू को तो फौरन छोड़ दिया, क्रू को तो फौरन छोड़ दिया, शिप की हद तक मुकदमा चला एंड फाइनली अमेरिकन कोर्ट हेल्ड दैट द मोमेंट दिस शिप एंटर्ड अमेरिकन वाटर्स अमेरिकन लॉज अप्लाइड ऑन इट एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइस ऑफ जर्मनी बिकॉज जर्मनी हैज वायलेटेड अमेरिकाज न्यूट्रैलिटी इन द वॉर. तो इवेंचुअली वो शिप भी फिर उस कंपनी को वापस दे दिया गया. ये एक ओकेजन है. दूसरा ओकेजन है, मैं मोटी मोटी एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं. दूसरा ओकेजन है व्हेन अ ब्रिटिश पैसेंजर शिप, क्या उसका नाम था, लोसिटानिया के क्या नाम मैं भूल रहा हूं, उस पैसेंजर शिप को अमेरिकन वाटर्स में जर्मनी ने अटैक किया. एक बड़ा पैसेंजर शिप था, 2000 लोग उसके ऊपर अबॉर्ड थे. Only 720 people could be saved. Only 720 people could be saved. वो शिप ड्राउन किया गया. मरने वाले लोगों में ये जो 1300 odd लोग मरे थे, इन मरने वाले लोगों में 127 Americans भी थे. ये 127 Americans naturally direct casualty थे उस वॉर की, जिसका अमेरिका हिस्सा भी नहीं था. अमेरिका डिमांडेड अ पब्लिक अपॉलॉजी, दैट पब्लिक अपॉलॉजी डिड नॉट कम. देन फाइनली ऑन 2 अप्रैल 1917 जर्मनी डायरेक्टली अटैक्ड टू ऑफ अमेरिकाज टग बोट्स, छोटा जो जहाज होता. सो नाउ it was enough for America to react. So 4 days later America declared war on Germany. 4 din baad America ne Germany par war declare kar di. Is dauran Russia bhi communist ho gaya March 1917 mein. To isliye bhi Americans decided ke ab time hai ke hamla kiya jaye. So अमेरिका ताजा दम था, इट हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिहाइंड इट, इट हैड द वेपनरी बिहाइंड इट. वॉर बड़ी जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई, 1918 में सीज फायर हो गया. ट्रीटी ऑफ सर्व्स ने सीज फायर करवाया. सीज फायर होने के बाद फॉर्मल सुलह की जो है वो तैयारी शुरू हो गई. 2 अप्रैल को जर्मन नेवी ने अमेरिकन टग बोट, शायद आपको कंफ्यूज कर रही, आप यूं समझिए अमेरिकन शिप्स पर अटैक किया, ठीक है. तो जिसके नतीजे में अमेरिका को फिर जंग का ऐलान करना पड़ा. सो जब सुलह की शरायत पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त वुड्रो विल्सन वांटेड पीस विद डिग्निटी. इट वांटेड for the fallen nations too, for the defeated nations too, Woodrow Wilson wanted peace with dignity. Treaty of Sèvres ने ceasefire करवाया था और फिर Treaty of Versailles भी पढ़ते हैं लोग, इसको वर्सलीज भी पढ़ते हैं. ये जगह का नाम है पेरिस से बाहर. किंग लुई द 16 ने जो अपना महल बनाया था वो वर्सलीज में बनाया था या वर्सायल्स में, तो वहां सुलह की प्रॉपर ट्रीटी होती. तो इस ट्रीटी तक के सफर में वुड्रो विल्सन वांटेड के पीस विद डिग्निटी हो, हारने वाली नेशंस को भी सांस लेने दिया जाए और अमन उनको भी, उनको डिफीटेड फील ना कराया जाए, उन्हें डिग्निफाइड मैनर में. दे शुड बी अलाउड टू रिटेन देयर ओरिजिनल टेरिटरीज, दे शुड बी अलाउड टू रिटेन देयर सॉवरेनिटी. वो इस तरह का पीस विद डिग्निटी लाना चाहते थे, बट इंग्लैंड एंड फ्रांस हैड अदर आइडियाज. इंग्लैंड एंड फ्रांस वॉन्टेड टू एग्जैक्ट रिवेंज
फ्रॉम जर्मनी, वो जर्मनी से बदला लेना चाहते थे, वो जर्मनी को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इस तरह की बनाई गई। जर्मनी वॉज फोर्स टू टेक द ब्लेम ऑफ स्टार्टिंग द वॉर, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे रैपरेशंस। बहुत सारे राइटर्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो ये कहते हैं द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। द बिगेस्ट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अगर वुड्रो विल्सन की बात मानी होती तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत ही ना आती। वुड्रो विल्सन के थे 14 पॉइंट्स, 14 नुकात जनवरी 1918 में उन्होंने दिए थे, 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन, 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन। मैं आपसे चार पांच शेयर करूंगा जो पूरी ग्लोबल सिस्टम के बारे में थे, बाकी जो 8-9 पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिक कंट्रीज को लेकर थे तो वो यहां उतने रेलेवेंट नहीं है। जो ग्लोबल इंपैक्ट रखने वाले पॉइंट्स थे उनसे ही आपको समझ आ जाएगी कि अगर इनको मान लिया जाता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत ना आती। नंबर वन, नो सीक्रेट ट्रीटीज, आज के बाद कोई खुफिया मुआहदे ममालिक एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ शैल बी प्रैक्टिस्ड आउट इन द ओपन, ताकि सबको पता हो किस मुल्क का किस मुल्क के साथ मुआहदा है। जंग जब शुरू हो जाती है तो सारे मुल्क आ जाते हैं कि हमारा तो फलाने से ज्वाइंट डिफेंस का मुआहदा था, फलाने से ज्वाइंट डिफेंस का मुआहदा था। ये नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन हाई सीज इवन एट वॉर टाइम, इवन एट वॉर टाइम। जंग भी हो रही हो तो जंग लड़ने वाले ममालिक सैंक्टिटी ऑफ द ओपन वाटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सैंक्टिटी ऑफ द ओपन वाटर्स, सैंक्टिटी ऑफ द हाई सीज को प्रोटेक्ट करेंगे। हाई सीज में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ठीक है जी। यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स, रूल्स फॉर ऑल कंट्रीज, ट्रेड के रूल्स सारे मुल्क एक जैसे रखेंगे, ठीक है। ट्रेड के रूल्स सारे लोग एक जैसे रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को नहीं होगा। ग्रेजुअली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर WTO बनाई गई थी बाद में, लेकिन वुड्रो विल्सन चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म रूल्स, बेस बेयर मिनिमम यूनिफॉर्मिटी रूल्स में एटलीस्ट होनी चाहिए ट्रेड बेनिफिट्स के लिए। नंबर फोर, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, हथियारों की दौड़ खत्म होनी चाहिए। बेयर मिनिमम वेपन्स रखें जो डेटरेंस के काम आए, बेयर मिनिमम वेपन्स रखें जो डेटरेंस के काम आए, उसके बियॉन्ड कोई वेपनरी इकट्ठी ना करें। और इस डिसआर्मामेंट को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट शैल इनफोर्स डिसआर्मामेंट, दैट शैल इनफोर्स डिसआर्मामेंट एंड प्रोटेक्ट, that shall enforce disarmament and protect the sovereignty and territorial integrity, and protect the sovereignty and territorial integrity of the smaller nations, of the smaller nations. तो territorial integrity और sovereignty जो है छोटी छोटे मुल्कों की, उसको protect करेगी और disarmament को enforce करेगी। ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। सो दीज वर द मेन टेक होम पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट्स, ठीक है जी। तो अब वुड्रो विल्सन वांटेड कि ये पॉइंट्स जो हैं दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स।
he wanted that these points should be made part of Treaty of Versailles. Lekin unki baat suni nahi gayi. Lekin unki baat suni nahi gayi. England and France disregarded all his points except this one. International organization wala. To League of Nations ko jagah di gayi Treaty of Versailles mein. Aur uski badolat 1920 mein League of Nations ban bhi gayi. So despite this rebuke, President Wilson, being the pacifist that he was, he decided to support the idea of League of Nations and wanted the Senate to ratify Treaty of Versailles, which the Senate did not want to do, So to make public opinion in his favor and in favor of Treaty of Versailles, he started a public campaign to go and meet public and convert the public opinion, mold the public opinion in favor of Treaty of Versailles. In doing so, he traveled 8,000 miles in 3 weeks and gave 40 speeches. 3 हफ्तों में 8,000 मील की का सफर वो करता है अमेरिका में 40 तकरीरें करता है. दिस वॉज टू मच फॉर हिज ऑलरेडी फ्रेजाइल हेल्थ. ही क्लैप्स्ड ऑन हिज रेलरोड, वॉज रश्ड बैक टू वॉशिंगटन डीसी वेयर ही सफर्ड ए स्ट्रोक एंड ही नेवर केम बैक टू पब्लिक लाइफ अगैन. 1921 में नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं जिनका नाम है वॉरेन हार्डिंग्स. 1921 में वॉरेन हार्डिंग्स रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बनते हैं. जिम कॉक्स जो डेमोक्रेट उम्मीदवार होते हैं उन्हें वो हरा देते हैं और हरा कर He takes America back to isolation. Treaty of Versailles का अमेरिका पार्ट नहीं बनता, ना ही अमेरिका League of Nations का पार्ट बनता है. और once again, अमेरिका इस European problem से बाहर अपने आप को रखता है. मैं बता देता हूँ. मैंने अर्ज किया कि वॉरेन वुड्रॉ विल्सन के जाने के बाद नए प्रेसिडेंट आए. वुड्रॉ विल्सन डाइड इन 1922 बाय द वे. तो वुड्रो विल्सन के दो टेन्योर्स खत्म हुए. नए प्रेसिडेंट बने वॉरेन हार्डिंग्स. वॉरेन हार्डिंग्स ये रिपब्लिकन थे. इन्होंने हराया था जिम कॉक्स को जो डेमोक्रेट थे. ठीक. तो इन्होंने पावर में आकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी रेटिफाई नहीं होने दी, अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा भी नहीं बनने दिया और कहा कि हम वापस अपने मामलात को देखेंगे, यूरोपियन पावर स्ट्रगल और यूरोपियन क्राइसिस का हिस्सा नहीं बनेंगे. दैट इज द रीजन व्हाई यू सी यू डोंट सी अमेरिका एनीवेयर व्हेन हिटलर इज राइजिंग एंड व्हेन हिटलर इज क्रिएटिंग मेहम इन यूरोप. तो अमेरिका आपको उतना इन द सेंटर ऑफ थिंग्स नजर नहीं आएगा इस टाइम फ्रेम के अंदर. एनी हाउ, तो ये है जी रोल ऑफ यूएसए इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द रोल ऑफ यूएसए इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे ग्रेट डिप्रेशन की तरफ. ओके जी, देयर आर नो क्वेश्चंस, तो हम ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ते हैं. नहीं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट यूएस हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. जर्मनी ने शिप एक ब्रिटेन का पकड़ा था, एपैम शिप का नाम था, वो अमेरिकन्स को दिया था.
ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स मैंने बता दिया है, ये एक रिडिक्यूलिंग ट्रीटी थी। जर्मनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द वॉर। जर्मनी वॉज ऑल्सो फोर्स टू पे रेपरेशंस। नहीं, 1920s में तो अमेरिका वॉज डूइंग ऑल राइट, 30s में डिप्रेशन का शिकार था, तो इसलिए बाहर इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं था, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं था। नहीं, जरूरी नहीं है, रोल ऑफ यूएस से डिस्कस करेंगे, इंपैक्ट की जरूरत नहीं। नहीं, रिसेंटली सॉल्व नहीं हुआ, और आप दो शिप्स को शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। आप 2 अप्रैल के हमले को और एपैम केस को शायद मिला रहे हैं। वन इज प्योरली अ कमर्शियल शिप, और जो 2 अप्रैल वाले हैं वो टग बोट्स थी अमेरिका की। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1933 है वैसे, बट इट एक्सटेंडेड अप टू 1937। नहीं, लीग ऑफ नेशन और इसके फेलियर्स अमेरिकन हिस्ट्री में रेलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो वहां जरूर पढ़िए लीग ऑफ नेशन और उसके फेलियर्स को। आसान है वो, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, इस टेन्योर में प्रेसिडेंट थे रिपब्लिकन हर्बर्ट हूवर, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर। ठीक है, व्हेन ही केम टू पावर इन 1929 एवरीथिंग सीम्ड ऑल राइट विद अमेरिका। But the same year, 24th October 1929, Black Tuesday, the Great Depression strikes America. होता क्या है, इंग्लैंड अपने यहां इन्वेस्टमेंट्स पर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफर करता है, अमेरिका से लोग पैसा निकाल कर एल्सवेयर इन्वेस्ट करने की फिक्र में पड़ जाते हैं। ऑन दिस वन डे 24th October 1929 13 billion शेयर्स, $13 billion के शेयर्स जो हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी में से विड्रॉ कर लिए जाते हैं, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। मतलब एक दिन ऐसा होता है, इसको द ग्रेट क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं, उसके बाद पैनिक सेलिंग होती है, लोग इससे पहले कि मजीद नुकसान हो बेचना शुरू कर देते हैं। बिफोर यू नो इट तमाम सरमाया अमेरिका से निकल जाता है। वन फाइन मॉर्निंग इफ यू वेक अप एंड यू सी के मुल्क में पैसे ही नहीं है तो क्या हालत होगी। Something like that happened in America. अब इसका impact क्या हुआ? 1920s अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि बड़े affluent थे और बड़े roaring थे, लोग बड़े राजी थे, economy बड़ी अच्छी थी and everything was going good. तो लोग कर क्या रहे थे? लोग अपनी औकात से ज्यादा buying कर रहे थे, ज्यादा चीजें खरीद रहे थे, in the anticipation कि economy अच्छी है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, bonuses मिल रहे हैं, तो हम पे ऑफ कर सकेंगे। वहां पर आपको पता है घर भी मॉर्गेज पर होते हैं, गाड़ियां मॉर्गेज पर होती हैं, ज्यादा चीजें मॉर्गेज पर। तो अब देयर वाज दिस आर्टिफिशियल डिमांड इन द मार्केट, चीजें खरीदने की, एंड टू केटर फॉर दैट डिमांड
and to export goods as well, American factories were working extra time to meet the demand of the market. And for that, they had to hire more people. ज्यादा लोगों को हायर कर रखा था. तो अब जब इन्फ्लेशन, ये डिप्रेशन आई, तो डिप्रेशन से ये सारा ट्रेंड रिवर्स हो गया. सारा ट्रेंड रिवर्स हो गया. पीपल डिड नॉट हैव मनी टू पे फॉर स्टफ. फैक्ट द मार्केट्स वर फिल्ड विद द मटेरियल, चीजों से भर गई मार्केटें, बट देयर वाज नो बायर. सो व्हेन द मार्केट्स वर फिल्ड विद थिंग्स एंड देयर वाज नो बायर, द फैक्ट्रीज डिड नॉट नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एनी मोर. सो व्हेन दे डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एनी मोर, दे बेसिकली शंटेड आउट द वर्कर्स. डाउनसाइजिंग उन्होंने की वर्कर्स की. तो यूं एक रिवर्स प्रोसेस चला, डिफ्लेशन की तरफ हम चले गए, डिफ्लेशन की तरफ चले गए. मार्केटों में चीजें तो अवेलेबल हैं, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं. डिफ्लेशन की तरफ हम चले. अनएम्प्लॉयमेंट हुई, 70 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो गए. ये 70 लाख वो लोग हैं जो पहले एम्प्लॉयड थे, अब अनएम्प्लॉयड हुए. ऐसा नहीं है कि ये ओवरऑल पूरे अमेरिका में 70 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे. नहीं, अनएम्प्लॉयड जो पहले से हैं वो हैं, उनमें मजीद 70 लाख का इजाफा हो गया. और जो आपकी कंपनीज हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, वो लोगों के सर पे आके बैठ गई कि पैसे भरो. बैंक्स लोगों के सर पे आके बैठ गए कि पैसे भरो. इसके साथ साथ फूड का प्रॉब्लम भी हुआ. मिसिसिपी ड्राउट इसे बोलते हैं, मिसिसिपी ड्राउट या डस्ट बाउल भी बोलते हैं, डस्ट बाउल भी बोलते हैं, मिसिसिपी ड्राउट भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरी मिसिसिपी वैली, जो एग्रीकल्चरल हब था अमेरिका का, वहां कहत की सूरत हाल हुई बारिश ना होने की वजह से, और इनफ रिसोर्सेज किसानों के पास ना होने की वजह से वो फसल को अच्छे से देख रेख नहीं कर सके, जिसकी वजह से फसल भी उनकी अच्छी नहीं आई. सो एग्रीकल्चर बैठ गया, इकोनॉमी बैठ गई, इंडस्ट्री बैठ गई, और हायर टैरिफ्स बाकी दुनिया ने लगाए. उन हायर टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन एक्सपोर्ट भी बैठ गई. सो अमेरिका ट्रैप हो गया एक इकोनॉमिक क्रंच के अंदर, जिसका हल कोई नजर नहीं आ रहा था. खुराक की जरूरियात के लिए सूप किचन्स बने, जैसे हमारे यहां आजकल लंगर खाने बन रहे हैं. तो ये सूप किचन्स लोगों की गिजाई जरूरियात पूरी करते थे, लंगर देते थे. गवर्नमेंट भी, उमरा भी इस डिप्रेशन के टेन्योर में लोगों को डबल रोटी और सूप दिया करते थे जिंदगी गुजारने के लिए. घरों से जब लोग निकले तो शैंटी टाउन्स में आकर बसना शुरू हुए, जहां टीन डब्बों के घर होते थे और ये घर $30 से $50 में मिल जाता था. यहां इन शैंटी टाउन्स को हूवर विलीज कहा गया, हूवर विलीज कहा गया. यहां रहने वाले लोगों ने अखबारों से अपने आप को ढांपा, किसी ने गत्ते से अपने आप को सर्दी से बचाया, उन्हें हूवर ब्लैंकेट्स कहा गया, हूवर ब्लैंकेट्स. खाली जेबों का नाम हूवर फ्लैग्स रखा गया, खराब गाड़ियों का नाम हूवर वैन्स रखा गया. सो poor Herbert Hoover was blamed for everything that was going wrong in America. Americans considered ki ye manhoos aadmi aaya hai to cheeze kharab hui, halanki the poor guy didn't do anything wrong, he was just at the wrong place at the wrong time. However, what he did wrong was he couldn't provide leadership when it was required, he couldn't provide leadership when it was required. Ye he caught cold feet aur ye White House mein jaakar baith gaya. Americans do not like this style of leadership. Americans ko Teddy Roosevelt ki aadatein padi hui thi, Woodrow Wilson ki aadatein padi hui thi, jo kai kai ghante American awam mein rehte the, akhbaron walon ke sath rehte the. To Herbert Hoover ko unhone pasand nahi kiya. Halanki kuch administrative decisions Herbert Hoover ne liye cheezon ko theek karne ke liye. Misal ke taur par
ही एस्टैब्लिश्ड एन इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन, इमरजेंसी रिलीफ एसोसिएशन. इसका पर्पस था टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू बिग बिजनेसमैन, रेल रोड के जो बिजनेस में कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनीज हैं, जो दूसरी बड़ी कंपनीज हैं कंस्ट्रक्शन में, उन्हें सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे ताकि वो काम बंद ना करें और लोगों को नौकरी से ना निकालें. ही मेट मेजर बिजनेस ओनर्स एज वेल एंड आस्क्ड देम नॉट टू लेट देयर स्टाफ गो ऑन स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक से सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं आती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बैंक एक्ट 1932, होम लोन बैंक एक्ट 1932. इस होम लोन बैंक एक्ट के जरिए भी ही आस्क्ड दीज पीपल, लोगों से और बैंक वालों से, उसने कहा जी लीजिंग कंपनीज एंड बैंक्स विल नॉट बी अलाउड टू एविक्ट द मॉर्गेजेस इफ दे डिफॉल्ट टू पे. अगर मॉर्गेजेस आपकी किस्त अदा नहीं कर पाते, मॉर्गेजेस आपकी किस्त अदा नहीं कर पाते, तो आप उनको जितने दिन डिप्रेशन है उनको घर से आप निकाल नहीं सकते. कानून की जबान में हम कहते हैं फोरक्लोजर. आप फोरक्लोजर नहीं कर सकते, यानी वक्त से पहले मॉर्गेज खत्म नहीं कर सकते. आप उन्हें मौका देंगे, डिप्रेशन के बाद लोग ये पैसे वापस कर देंगे. हाउएवर अगर ना कर सके तो गवर्नमेंट वापस करेगी, गवर्नमेंट वापस करेगी. ठीक है जी, ये कानून बनाया गया. लेकिन ऑब्वियसली ये कानून बनाना एक बात है, बैंक्स के लिए सस्टेन करना इस कंडीशन को दूसरी बात है. क्योंकि बैंक्स का तो बिजनेस मॉडल ही है ना कि चीजें उनको वो आपको 100 रुपया देते हैं और आपसे 150 वापस लेते हैं और फिर आगे किसी और को 100 रुपया देते हैं और फिर उससे 150 वापस लेते हैं, तो बैंक वालों के पास उसी 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपया आ जाता है. तो अब जब उनको वापस ही नहीं आ रहा कुछ, तो नेचुरली जब क्रेडिटर और लेंडर दोनों बेचारे जो हैं वो भूखे हो गए हैं, पैसे नहीं है, तो इवेंचुअली वो भी बैठ जाएगा. तो मोर देन 600 बैंक्स वेंट बैंकरप्ट इन अमेरिका. जी मॉर्गेज होता है घर किस्तों पर लेना, यस काइंड ऑफ ट्रू. आप एक सर्टन मॉर्गेज अमाउंट पे करते हैं, रहन जैसे रखना कहते हैं, आप वहां शिफ्ट हो जाते हैं घर में और उस शिफ्ट होने के बाद आप उसको पे करते रहते हैं. ये मॉर्गेज 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक की भी हो सकती है. ठीक है जी, तो बैंकक्रप्ट जो है, बैंक्स भी बैंकक्रप्ट हो गए. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक भी बैंकक्रप्ट है तो आप किधर जाएंगे. ये भी रीजन थी. अमेरिका में अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी थी. 0.3% अमेरिकन ओन 76% अमेरिकन वेल्थ. तो ये भी एक मसला बहरहाल था. तो ये ग्रेट डिप्रेशन ने बेड़ा गर्क करके रख दिया अमेरिकन इकोनॉमी का और अमेरिकन ड्रीम का और इस सारी कहानी का. इस टाइम फ्रेम में फिर आते हैं फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट, जहां हर्बर्ट हूवर लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम हुए और अपने आप को इन्होंने व्हाइट हाउस में बंद कर लिया. इनसे जब जर्नलिस्ट्स भी सवाल पूछने आते थे तो ये कहते थे आप लिख कर दे दें, हम आपको लिख कर इसका जवाब दे देंगे. तो जर्नलिस्ट्स आल्सो डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स. उन्होंने लिखना शुरू किया व्हाइट हाउस हैज बिकम अ फोर्ट, इट्स नॉट अ पीपल्स हाउस एनी मोर. तो ही गॉट अ लॉट ऑफ बैड प्रेस टू. तो इनके सेकेंड टर्म में इनके खिलाफ जो प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक उम्मीदवार आए वो थे फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट. थियोडोर रूजवेल्ट के कजन भी थे ये, और मोर कॉमनली नोन एज FDR,
FDR, और इनका अपना वजूद ही जो है वो इंस्पिरेशनल था। आप बहुत जगहों पर पढ़ते हैं, एक कोट दी जाती है, एक कोट दी जाती है, द ओनली थिंग यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो सबसे ज्यादा फियरफुल चीज है वो फियर इटसेल्फ है, आपको और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। ये फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट ने कहा था। रूजवेल्ट जवानी में पोलियो का शिकार हुए थे, 8 साल ये पोलियो से लड़ते रहे, इवेंचुअली पोलियो से नबर दबा आजमा होकर निकले, एक एक्टिव लाइफ गुजारी, वेस्ट डाउन, मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी इनकी, लेकिन बेहतरीन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे एंड इवेंचुअली प्रेसिडेंसी के लिए आ गए। प्रेसिडेंसी में अब इवन इलेक्शन से पहले ही इन्होंने एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बना दिया, उसमें इकोनॉमिस्ट डाले, लॉयर्स डाले, स्टूडेंट्स डाले, सारे तबकों के लोग डाले, एक इकोनॉमिस्ट का ग्रुप एक बनाया जिसको कहा गया कि आप प्लानिंग करें कि हम ग्रेट डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं। अखबारों ने उसको कहा द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ रूजवेल्ट, द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ रूजवेल्ट, एंड इट ऑल्सो इनकलकेटेड होप इन अमेरिकन पीपल। दे अंडरस्टूड कि हियर इज अ गाय हु इज नॉट इवन अ प्रेसिडेंट येट, बट ही हैज अ प्लान, ही इज वर्किंग टू मेक थिंग्स वर्क। सो ऑब्वियसली हर्बर्ट हूवर डजंट हैव अ क्लू व्हाट टू डू, तो FDR एटलीस्ट इज डूइंग समथिंग, सो पीपल इलेक्टेड हिम। ये पावर में आए, पावर में आते ही अपनी पहली स्पीच में इन्होंने 100 डेज प्लान दिया, 100 डेज प्लान कि मैं पहले 100 दिनों में क्या करूंगा, पहले 100 दिन जो मैं हुकूमत में जी। लाइक इमरान खान, द ओनली डिफरेंस इज FDR इंप्लीमेंटेड इट, FDR इंप्लीमेंटेड इट। उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया कि इन 100 दिनों में हम क्या करेंगे। ब्रेन ट्रस्ट ने उनको चीजें दे रखी थी, उन्होंने 3 आवर्स रिलीफ, रिफॉर्म, रिकवरी, 3 आवर्स का प्रोग्राम दिया, रिलीफ, रिफॉर्म, रिकवरी। सबसे पहले फैक्ट्रीज को रिलीफ देंगे, सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे और फिर रिकवर कर जाएंगे कि दोबारा लैप्स ना करें इसके अंदर। 3 आवर्स, इसको उन्होंने न्यू डील का नाम दिया। आइए मैं आपका अमेरिका से नया रिश्ता बनाता हूं, आइए मैं आपको इकोनॉमी का नया मॉडल देता हूं, आपको रहने की जिंदगी गुजारने के लिए एक न्यू डील देता हूं, ठीक है। सो दिस रिलीफ, रिफॉर्म, रिकवरी प्रोग्राम इज मोर कॉमनली नोन एज द न्यू डील, मोर कॉमनली, मोर फेमस नेम इज द न्यू डील। प्रेसिडेंट ने लीगल साइड पर क्या किया, उधर तो मैं अभी आता हूं। प्रेसिडेंट ने साइकोलॉजिकली भी अमेरिकन को उठाया, ही स्टार्टेड अ रेडियो प्रोग्राम कॉल्ड फायर साइड चैट्स। ये फायर चैट साइड चैट्स जो थी, ये वीकली प्रोग्राम था, 4 करोड़ अमेरिकन इसको रेडियो पर सुनते थे, इसकी जो लिसनरशिप है वो 4 करोड़ लोगों की थी। ये कौम से खिताब नहीं होता था प्रेसिडेंट FDR का, ये कौम से गपशप होती थी, फायर साइड चैट्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया। वो बताते थे डिप्रेशन क्या बला है, हम क्या कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। इनकी बीवी एलेनोर रूजवेल्ट, चूंकि फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट खुद बहुत ज्यादा मोबिलाइज नहीं हो सकते थे, तो इनकी बीवी इनकी जगह पूरे अमेरिका में फिरती थी, माइन वर्कर्स से, लेबरर्स से, फार्मर्स से मुलाकातें करती थी और प्रेसिडेंट को आकर ट्रू पिक्चर देती थी। तो प्रेसिडेंट के मिनिस्टर्स
जब प्रेसिडेंट को कहते थे कि जनाब आप इनकलाब ले आए हैं और चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो प्रेसिडेंट उन्हें जवाब देते थे बट माई मिसेस थिंक्स अदरवाइज, लेकिन मेरी बीवी का ख्याल तो है कि अभी बड़े हालात खराब हैं। वो कहा करते थे शी इज माई आईज एंड ईयर्स। तो एलेनोर रूज़वेल्ट जी जो उन्हें कहानियां सुनाती थी वही कहानियां वो पब्लिक के साथ शेयर करते थे कि फलां जगह पर जो डेविड है वो बड़ा गरीब लेकिन मेहनती आदमी है, दो दो तीन तीन जगह पर वो नौकरी करके अपने बच्चों को संभालता है। डेविड मेरा दोस्त है, मैं उसे बड़ा पसंद करता हूं। डेविड और उस जैसे सारे डेविड अमेरिका में जो गरीब और भूखे थे वो इंस्पायर्ड फील करते थे, वो फील करते थे प्रेसिडेंट उन्हें पर्सनली जानता है, प्रेसिडेंट उनके हालात से वाकिफ है और प्रेसिडेंट ने उनका नाम लिया है तो मेहनत करने पर राजी और तैयार लोग हो जाते थे, अगले दिन वलवले के साथ उठते थे और काम पर जाने और ढूंढने की कोशिश करते थे। एलेनोर रूज़वेल्ट का बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में। एलेनोर रूज़वेल्ट वो पहली फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने ऑल विमेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। वो जब इन विजिट से वापस आती थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ खवातीन जर्नलिस्ट अलाउ होती थी। दिस वॉज हर वे टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वेमेन। उस वक्त तक अमेरिका के किसी अखबार और किसी टीवी के पास वेमेन जर्नलिस्ट नहीं थी। बिकॉज ऑफ हर ऑल मेजर न्यूज पेपर्स एंड टीवी चैनल्स हैड टू हायर वेमेन जर्नलिस्ट। ठीक, तो फायर साइड चैट्स के जरिए उसने लोगों को कन्विंस किया एंड देन उसने काम करना शुरू किया। सबसे पहले जो हर्बर्ट हूवर की बनाई हुई इमरजेंसी रिलीफ थी उसको उन्होंने फेरा, फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। फेरा, फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जरिए पहले जहां हूवर के दौर में सिर्फ बिगर बिजनेसेस को कर्जों की सहूलत हासिल थी, प्रेसिडेंट ने छोटी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को भी, छोटे जमींदारों को भी, छोटे लोगों को भी कर्जे देने की सहूलत फराहम कर दी, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। मिल ऑनर्स पर ज्यादा कर्जा, ज्यादा टैक्स लगाया और उसको किसानों को देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया कि एक स्पेसिफिक तबके से लेके आप एक स्पेसिफिक तबके को नहीं दे सकते। बट रूज़वेल्ट कैरीड ऑन। इसके साथ साथ फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के साथ साथ उन्होंने एक ट्रिपल सी, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स बनाई। सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स, मोर कॉमनली नोन एज रूज़वेल्ट्स ट्री आर्मी, मोर कॉमनली नोन एज रूज़वेल्ट्स ट्री आर्मी। इनका काम था पब्लिक पार्क्स को कंजर्व करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस को कंजर्व करना, दरख्त लगाना। लाखों की तादाद में नौजवान वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया गया, बेयर मिनिमम पैसे गवर्नमेंट इनको देती थी, खाना देती थी, ये लोग काम करने पर तैयार हो गए। इनके साथ जब इन्हें काम पर लगाया वो अनएम्प्लॉयबिलिटी की कंडीशन खत्म हुई। ठीक है जी, देन ही क्रिएटेड WPA, वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। या लुक्स लाइक इट, ही लुक्स लाइक अ बैड कॉपी ऑफ हिम। वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, इसमें एबल बॉडीड मेन वर सिलेक्टेड, एबल बॉडीड मेन वर आस्क्ड टू कम एंड वर्क फॉर अमेरिका, रोड रिहेबिलिटेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस की रिहेबिलिटेशन, ब्रिजेस को बनाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है अमेरिका की वो इस वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने करवाई। सो ट्रिपल सी एंड WPA कंबाइंड टुगेदर एम्प्लॉयड मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल एंड रिकंस्ट्रक्टेड अमेरिका एंड डेवलप्ड अमेरिका। कहा जाता है कि यही काम अगर नॉर्मल हालात में रूज़वेल्ट करवाते 10 गुना ज्यादा पैसे लगते, 3 गुना ज्यादा टाइम लगता, लेकिन उन्होंने कम पैसों और कम टाइम में लोगों से ये काम करवा लिया और उनमें ये भी फीलिंग इनकलकेट की कि वो मुल्क को संवार रहे हैं। नो फ्री लंचेस, मुफ्त किसी को कुछ नहीं दिया, काम करवाया। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने
लेबरर्स के लिए भी काम किया. वर्किंग डे 8 आवर्स का कर दिया, वर्किंग वीक 40 आवर्स का कर दिया. वर्किंग डे 8 घंटे का, वर्किंग वीक 40 घंटे का, 2 छुट्टियां हफ्ता एक बार, ठीक ये तय किया. इसने वर्कमैन कॉम्पनसेशन लॉज इंट्रोड्यूस करवाए. वर्कमैन कॉम्पनसेशन लॉज मैंडेटरी किया फैक्ट्रीज के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में लेकर आए और उन्हें वो राइट्स दें जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है. ये इंश्योर करवाया, ठीक है जी. इसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका बनवाया. इससे पहले लेसे फेयर इकोनॉमिक मॉडल था, गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करती थी. इसने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बनवाया ताकि फेक रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज को बंद करवाया जा सके. बेसिक अमाउंट गवर्नमेंट के पास एज ए गारंटी रखा जा सके और कोई झूठी कंपनीज जो लोगों को बाद में एक्सप्लॉइट करती हैं वो ना बने. और एक जो एससीसी का जो बुनियादी पर्पज होता है वो सीलिंग एंड फ्लोर को मैनेज करती है. सीलिंग एंड फ्लोर का क्या मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है तो अगर मुनाफा एक खास हद से ऊपर चला जाए तो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बंद कर दी जाती है, कैप कर दी जाती है. इसे कहते हैं सीलिंग, दैट द मार्केट हैज हिट इट्स सीलिंग मैक्सिमम रेशियो ऑफ द प्रॉफिट. आप इससे ऊपर हम बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं करेंगे, बंद कर देंगे बिजनेस, ठीक है जी. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. फ्लोर कहते हैं जब बाइंग एंड सेलिंग आप कर रहे हो और एक खास हद से ज्यादा नुकसान शुरू हो जाए, एक खास हद से ज्यादा नुकसान शुरू हो जाए तो वहां भी आप बंद कर देते हो बाइंग एंड सेलिंग. ये भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का काम है, बाइंग एंड सेलिंग बंद कर देते हो ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके. तो ये काम पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, ये भी रूजवेल्ट ने अपने टेन्योर में करवाया. इन्होंने क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया. क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब था एग्रीकल्चर साइड पर के मुख्तस कर दी गई कि किस किस्म की जमीनों पर किस किस्म की काश्तकारी होगी, कहां सिर्फ गन्ना आप काश्त कर सकेंगे, कहां सिर्फ सूरजमुखी आप काश्त कर सकेंगे, कहां सिर्फ आलू आप उगा सकते हैं, कहां सिर्फ मेज उगा सकते हैं, ताकि बैड क्रॉप मैनेजमेंट की वजह से किसान लूज ना करें, ऐसी जमीनों पर काश्तकारी ना करें जहां से वो प्रोडक्ट उस तरह से मिल ही नहीं सकती या गवर्नमेंट वहां खरीदती नहीं. तो क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और इंश्योर करवाया कि बाइंग एंड सेलिंग फेयर प्राइस पर किसानों से की जाए. ग्रेजुअली इस न्यू डील के फवायद नजर आना शुरू हुए और लोग इस ग्रेट डिप्रेशन से निकलना शुरू हुए. सेकंड, जब टाइम 1937 में दोबारा इलेक्शंस हुए तो दोबारा ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और इन्होंने सेकंड न्यू डील का नाम लिया. सेकंड न्यू डील वाज मोर लेबर ओरिएंटेड. इन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था, इफ आई वर अ लेबरर टुडे द फर्स्ट थिंग आई वुड हैव डन, आई वुड हैव गॉन एंड जॉइन्ड द यूनियन. तो ज्वाइन द यूनियन वॉज द स्लोगन ऑफ द डे, ज्वाइन द यूनियन वॉज द स्लोगन ऑफ द डे. सक्सेसफुल स्ट्राइक्स अमेरिका में स्टार्ट हुई जिन्हें हम कहते हैं द सिट इन स्ट्राइक्स. सिट इन स्ट्राइक्स पहले क्या होती थी, पहले होती थी वॉकअवे स्ट्राइक्स. मजदूर काम छोड़ते थे, निकल जाते थे. उन वॉकअवे स्ट्राइक्स का सेठ लोगों पर कोई असर नहीं होता था, सेठ लोग उनकी जगह नए मजदूर ले आते थे. अब होना शुरू हुई सिट इन स्ट्राइक्स कि आप वहीं धरना देकर बैठ जाओ. इनको लीगल कवर भी मिल गया, लेबर यूनियन को भी लीगल कवर मिल गया, जिसकी बदौलत लेबरर्स की सूरत हाल इंप्रूव होना शुरू हुई. हाउएवर, फर्स्ट डील हो या सेकेंड डील हो, दोनों सूरतों में ब्लैक्स को कोई खास फायदा नहीं हुआ. ये डील्स प्राइमरली वाइट अमेरिकन्स के भले के लिए इस्तेमाल होती रही. ब्लैक्स एंड रेड इंडियंस
fell into the cracks of these laws and could not benefit much from it. However, अगर हम पूरी तरह से जायजा लें, 37 के बाद भी अमेरिका एक दफा डिप्रेशन के नरगे में आने लगा था, बट देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर अमेरिकन्स. उससे पहले खैर एक और चीज जिसने रोल प्ले किया अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन को हैंडल करने में, वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स. प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट ने परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी बहुत प्रमोट किया. परफॉर्मिंग आर्ट्स पर गवर्नमेंट का एक रुपया भी नहीं लगता था, लेकिन हर बंदा परफॉर्मिंग आर्ट में हिस्सा लेना चाहता है. इंसान की सबसे बड़ी फितरी ख्वाहिश यही है कि वो जाना जाना चाहता है, अपनी पहचान चाहता है, शोहरत चाहता है. तो इस टेन्योर में अमेरिका में बड़ा अच्छा क्रिएटिव लिटरेचर डेवलप हुआ है. इस टेन्योर में म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत डेवलप किया, लोगों ने रेडियो पर म्यूजिक बहुत सुना है, गमो गुस्सा अपना जो गम है उसको गलत करने के लिए. स्ट्रीट थिएटर्स अमेरिका में बहुत डेवलप हुए इसी टेन्योर के दरमियान. इसी टेन्योर में चार्ली चैपलिन मशहूर हुए हैं. द ऑडियंस वाज सेट टू सी गुड कॉमेडी. दुखी लोग हंसने के लिए तरस रहे थे जिसमें वो टाइम फ्रेम आया. सो बहुत ज्यादा इस तरफ भी लोग जो है वो अमेरिका में इस पेशे इन पेशों के साथ भी वाबस्ता हुए और आकर स्ट्रीट थिएटर्स. जब आप थिएटर करते हैं या फिल्म प्रोड्यूस करते हैं या टीवी करते हैं तो सिर्फ एक्टर्स नहीं कमाते, वो स्पॉट बॉय जो चाय पकड़ के लाता है, वो जो लाइटें पकड़ के लाइट मैन खड़ा है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो काफी लोग इनडायरेक्टली इसके साथ एम्प्लॉय हो जाते हैं. इस शोबे की तरक्की का आप इस हिसाब से अंदाजा लगाएं कि 1940 में अमेरिका में कलर टीवी आ गया था. सो दिस वुड टेल यू कि किस तरह से होता है. ठीक है जी. सो जो फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसने एक्चुअली अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन को खत्म किया. वर्क प्रोग्रेस एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन 1939 में खत्म हुई. 15,000 के करीब अमेरिकन्स जो हैं, 15,000 के करीब अमेरिकन्स जो हैं, वो तो अमेरिका के ऐलाने जंग करने से पहले ही जाकर वॉर का हिस्सा बन गए, कैनेडियन यूनिफॉर्म्स पहन के और ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स पहन के. ठीक है जी. अमेरिका में भी एक प्रोडक्शन बैटल स्टार्ट हुई. जंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया बनना शुरू हुई. 300 के करीब नॉर्मल गुड्स को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया गया. फर्ज करें आप एक कंपनी है, वो नॉर्मल कपड़ा बनाती है, उसको कहा गया नहीं आप वॉर में इस्तेमाल होने वाले यूनिफॉर्म्स बनाओ या आप पट्टियां बनाओ या आप वो बनाओ टॉवल्स बनाओ. ठीक. तो फैक्ट्रीज को भी कहा गया गाड़ियों को बनाने वालों के लिए कि आप दूसरी मशीनरी के पुर्जे बनाओ. सो इस प्रोडक्शन बैटल ने दोबारा से अमेरिकन फैक्ट्रीज को अप एंड रनिंग कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया, दोबारा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ गई, लोग आना शुरू हुए और काम पे लग गए. अमेरिका चूंकि फिजिकली दूर था और इसने न्यूट्रैलिटी भी डिक्लेयर कर रखी थी, 39, 40, 41 में अमेरिका ने न्यूट्रैलिटी अपनी डिक्लेयर की हुई थी, इसलिए इस पर कोई अटैक नहीं था और ये बेफिक्री से अपनी फैक्ट्रीज को तेजी से चला रहा था, जिसकी वजह से डिप्रेशन ऑब्वियसली खत्म होता है. आप इससे अंदाजा लगाइए कि 40 में रूजवेल्ट ने कहा था मुझे 50,000 शिप्स ईयर चाहिए, 44 में अमेरिका 50,000 एरोप्लेन्स मुझे ईयर चाहिए, 1944 में अमेरिका 100,000 एरोप्लेन्स ईयर बना रहा था. तो इससे भी आपको आइडिया होता है कि इंडस्ट्री किस हद तक अमेरिका में ऊपर चली गई थी. खैर ये इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन खत्म होती है. इम्पैक्ट्स हमने पढ़ी लिए हैं, बैंक्स बैंकक्रप्ट हुए, ड्राउट आ गया, लोग गरीब हुए, भूखे हुए. यस वॉर प्लेन्स. और ये इतनी अचंभे की बात नहीं है क्योंकि उस जंग में हर रोज 5-6 हजार वॉर प्लेन्स गिराए जाते थे. ठीक. और प्लेन्स बनाकर दे रहा था अमेरिका ही. जर्मनी को एयरफोर्स बनाने से मना किया गया था, बट उन्होंने 1935 में अपनी लुफ्टवाफा बना ली थी अपनी एयरफोर्स. लेकिन बाकी सारों को जो वॉर प्लेन सप्लाई कर रहा था वो अमेरिका ही सप्लाई कर रहा था.
ठीक है जी। तो ये है जी ग्रेट डिप्रेशन ओवरऑल, इसके कॉजेज भी हमने देखे, इसका टेन्योर भी देखा और इसके इंपैक्ट्स भी देखे। 1941 में जो 8 साल हैं फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन वॉर टाइम चल रहा था, अमेरिकन्स डिड नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू पर्सन, और उस वक्त तक सिर्फ ये ट्रेडिशन ही था, कोई एज सच कानून नहीं था कि 2 से ज्यादा दफा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को अलाउ किया कि आप तीसरी दफा के लिए भी कंटेस्ट करें, तीसरी दफा प्रेसिडेंट बनने को नहीं कहा, तीसरी दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तीसरी दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। सो ही वेंट फॉर एन इलेक्शन, उनके मुकाबले पर रिपब्लिकन उम्मीदवार कमजोर से थे, न्यूयॉर्क के एक वकील थे वेंडल विल्की। तो वेंडल विल्की को जाहिर है लोगों ने फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट के मुकाबले में वोट नहीं दिए, तो फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट बिकेम द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका टू बी इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम, एंड देन ही गॉट इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टाइम एज वेल। ठीक है, ये है जी आज का दिन, चलें।